हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रीतम सर और आप ही विजिट ऑनलाइन इस चैनल पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको क्लास के जो न्यू वीडियोस आने वाले हैं वो जल्द और फास्ट अपडेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम सेवन स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लेसन का नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इस लेसन में हम जो हिस्ट्री लिखते हैं या हिस्ट्री के बुक लिखे जाते हैं तो उसके लिए कुछ सोर्सेस का उपयोग किया जाता है। वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या की जाती है तो कलेक्ट करके आपके बुक में लाई जाती है। तो वो सोर्सेस कौन से हैं उसके बारे में हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। आज हम इस लेसन का कुछ पार्ट, मतलब पहले दो पेज को आज कवर करने वाले हैं। सो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हमने जो हमारी हिस्ट्री है उसको कुछ तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल पीरियड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो फिफ्थ और सिक्स और फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ा है और इस साल स्टैंडर्ड सेवन्थ में हम मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो मेडिवल पीरियड हिस्ट्री का कौन सा है? सो सेंचुरी नाइन से लेकर 18 सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसे मेडिवल पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो इस पूरे बुक में हम हिस्ट्री के मेडिवल पीरियड का पढ़ाई करने वाले हैं और इस लेसन में हम सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। सो हिस्ट्री के वजह से हमें क्या मिलता है? तो हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट को पढ़ते हैं और हिस्ट्री में हम क्रोनोलॉजिकल, मतलब अकॉर्डिंग टू डेट वाइज और साइंटिफिक और सिस्टेमिक पढ़ाई हम हिस्ट्री के माध्यम से करते हैं। सो हिस्ट्री लिखते समय कुछ फोर फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है उसको कंसिडर किया जाता है। वो फोर फैक्टर्स है इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो फोर तरीके की रहती है। इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्सन की हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री, सोसाइटी की हिस्ट्री, प्लेस की हिस्ट्री मतलब दीवा की हिस्ट्री, थाना की हिस्ट्री, टाइम की हिस्ट्री मतलब 2012 की हिस्ट्री, 2013 की हिस्ट्री, हर एक साल की, हर एक टाइम की हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ, मतलब हिस्ट्री हमेशा प्रूफ पर डिपेंड रहती है, वो ऑथेंटिक रहती है, राइट रहती है। हम कुछ भी लिखेंगे तो हिस्ट्री नहीं होती है, उसके लिए पुरावे, उसके लिए प्रूफ की जरूरत होती है, एविडेंस की जरूरत होती है। और वो जो प्रूफ है उसे क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो जो सोर्सेस है हिस्ट्री को उसको तीन टाइप में क्लासीफाई किया गया है, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। और आज के वीडियो में हम मटेरियल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सो मटेरियल सोर्सेस में मतलब हमारे जो वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट जो है उसको हम इन सोर्सेस के माध्यम से, इन फैक्टर्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। सो अगर हम हिस्ट्री का पढ़ाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री का पढ़ाई करते समय हमें जो सोर्सेस है उनकी पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो सोर्सेस है उस वो कितने ऑथेंटिक है, कितने राइट है, वो भी हमें पता रहना जरूरी होता है। उसको जडिशियली एंड ओनली आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद ही उसको क्या कहा जाता है, हिस्ट्री में कंसिडर किया जाता है। मतलब कोई भी इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी सोर्स, कोई भी अगर मटेरियल हमें मिलता है जो पुराना है तो उसको पहले ऑथेंटिक किया जाता है और बाद में उसको हिस्ट्री में कंसिडर किया जाता है। तो अभी हम मटेरियल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सो मटेरियल सोर्सेस में बहुत सारे मटेरियल को कंसिडर किया जाता है। पहला एक इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल होगा इंडिया का वो है फोर्ट्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे फोर्ट्स है और उस फोर्ट्स से हमें क्या मिलता है? सो हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फोर्ट्स टोटल, फोर्ट जो है इंडिया में उसको फोर टाइप में डिवाइड किया गया है, हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स और फोर्ट्स ऑन द प्लेन। इसके अलावा मटेरियल सोर्सेस में दूसरा जो मटेरियल आता है, दूसरा जो सोर्स है वो है मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स में क्या कहता है? तो समाधि, ग्रेव्स, वीरगलाम,
बिल्डिंग जो पुराने जमाने में बनाए गए हैं, या फिर मिनिस्टेरियल मैंशंस, क्वीन क्वार्टर, उसको रानीवासा भी बोलते हैं। ये क्या है? तो पुराने जमाने के जो राजा, उनके महल, उन रानी, उनके महल, या फिर कुछ समाधि, ये सब क्या है, मोनूमेंट्स में आता है और उसको मटेरियल सोर्सेस में कंसिडर किया जाता है। और ये जो मोनूमेंट्स और फोर्ट्स जो पुराने जमाने के मटेरियल है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, तो उस जमाने की हिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, वो हिस्ट्री बताते हैं हमें। और इनके मदद से हम उस जमाने का आर्किटेक्चर कैसे था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उस जमाने का आर्ट कैसे था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्टाइल कैसी थी, उस जमाने के लोग कैसे रहते थे, इनका पता लगा सकते हैं। और इन सब सोर्सेस पर आप देखेंगे, उनकी पढ़ाई करेंगे, तो हम उस जमाने का, जमाने के कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, उसमें कॉइन्स, कॉइन्स को भी मटेरियल सोर्सेस में कंसीडर किया गया है। कॉइन्स में अलग अलग मेटल से हम कॉइन्स बना सकते हैं। गोल्ड के कॉइन होते हैं, सिल्वर के, कॉपर के कॉइन पुराने जमाने में हिस्ट्री में, तो उस जमाने के राजा वगैरह बनाते थे। और उस कॉइन से हमें उस जमाने के उस पीरियड का, वहाँ के गवर्नेंस का, मतलब सरकार, मतलब उस जमाने के राजाओं का, रिलीजियस आइडिया, मतलब उस धार्मिक आइडिया की, धार्मिक जो संकल्पना थी वो किस प्रकार थी, इसके अलावा उस जमाने के जो पर्सन थे उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब उस जमाने के कॉइन से। इसके अलावा उस जमाने में फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होती थी, अगर कॉपर का कॉइन मिलेगा तो हमें पता लगता है कि उस जमाने में, जिस जमाने की हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कॉपर के कॉइन यूज किए जाते थे एज अ ट्रांजैक्शन के लिए। और उस जमाने के इकोनॉमिक कंडीशन का भी हमें उस कॉइन से पता लगता है। इसके अलावा कॉइन जो होते हैं कॉपर या फिर गोल्ड से बने हुए होते हैं, और वो बनने के लिए जो मेटालर्जी का यूज करते हैं, मेटल का यूज करते हैं, उस मेटालर्जी टेक्निक का भी हमें उस कॉइन के मदद से स्टडी कर सकते हैं हम। कुछ कॉइन्स ऐसे भी मिले हैं जो आपके टेक्सट बुक में उसके कुछ पिक्चर्स वगैरह दिए गए हैं, तो उसमें राम सीता, या फिर अकबर शिवा पार्वती, राम सीता के जो पिक्चर उस कॉइन पर बनाए गए थे, अकबर राजा के जो कॉइन है उसमें, उस पर। उसके बाद हैदर अली जब किंग था इंडिया में, तब तो उसने अपने कॉइन पर शिवा पार्वती के इमेजेस बनाए थे। पेशवाओं ने, जो पेशवा के ज़माने में जो कॉइन बनाए थे, वो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में बनाए गए थे। और इन सब से हमें पता चलता है कि उस ज़माने में हैदर अली जैसा जो राजा था, वो भी रिलीजियस डिफरेंस को मानता नहीं था, या फिर पेशवाज वगैरह, मतलब उस जमाने में रिलीजियस डिफरेंस नहीं था, लोग अलग अलग धर्मों में झगड़े नहीं करते थे, इसका पता लगता है। इसके अलावा कुछ तंजावर जो का जो टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम है बृहदीश्वरा टेम्पल तंजावर, उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं जो हमें ये जानकारी देते हैं। सो इंस्क्रिप्शन ये भी क्या है, मटेरियल सोर्स है। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर पर वगैरह जो कुछ डिजाइन वगैरह बनाई जाती है, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो हमें इंस्क्रिप्शन से भी क्या मिलता है, हिस्ट्री का पता लगता है। इसके अलावा जो राजाएं हुए थे, या फिर कुछ चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोला, यादवा, इन राजाओं ने हमारे इंडिया पर क्या किया था, राज किया था, उनका राज्य था, तो उनके ज़माने में जो इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे, ये भी हमें बहुत हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। और उनके मदद से हम उस जमाने की लैंग्वेज, क्रीप, सोशल लाइफ, उस जमाने का पीरियड, इनके पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस जमाने में कॉपर प्लेट्स भी बनाए गए थे। कॉपर प्लेट्स मतलब कॉपर के शीट पर, कॉपर के मटेरियल पर लिख, अगर कुछ हम लिखेंगे तो उसको कॉपर स्क्रिप्ट प्लेट्स कॉपर स्क्रिप्ट बोलते थे। इसका जो रॉयल इडिक्स और वर्दिक्स वगैरह कुछ हमें उस जमाने के मिलते हैं, ये भी क्या है, सब मटेरियल सोर्सेस में आते हैं। इस वीडियो के बाद आपने आज क्या पढ़ा है, हिस्ट्री, मेडिवल पीरियड हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और उसमें मटेरियल सोर्सेस के बारे में आज हमने पढ़ा। आपका जो असाइनमेंट है लेसन का, उससे कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आपको विद क्वेश्चन विद आंसर इस वीडियो के बाद दिए हैं, उसको याद कीजिए।
वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।